हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। इस समय हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं जीन इंट्रैक्शन। तो जीन इंट्रैक्शन को हमने दो पार्टों में बांटा था। पहला था एलिलिक जीन इंट्रैक्शन और दूसरा है नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। एलिलिक जीन इंट्रैक्शन में हमने लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस पढ़ा। इसके अलावा हमने वहाँ पर लीथल जीन पढ़ा और मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ा। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एलिलिक जीन इंट्रैक्शन और नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन में अंतर क्या है। यद्यपि ये चीज़ हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एलिलिक और नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन क्या होता है, फिर भी एक बार यहाँ पर पुनः चर्चा कर दे रहा हूँ कि आखिर एलिलिक जीन इंट्रैक्शन क्या है और नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन क्या है। तो देखिए, आप जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं ये पेयर में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये पहला पेयर है, तो पहले पेयर में दो क्रोमोसोम होंगे। पेयर का मतलब ही जोड़ा होता है, तो यहाँ पर दो क्रोमोसोम है। फिर यहाँ पर ये दूसरा पेयर है, फिर इस तरीके से ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है। इस तरीके से क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर देखिए, जब एलील्स होमोलागस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, होमोलागस क्रोमोसोम का मतलब कि एक ही पेयर के दोनों गुणसूत्रों पर मौजूद हों, तो उसे कहते हैं एलील्स। और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। जैसे यहाँ पर आप एक उदाहरण से समझें कि इस तरीके से मान लेते हैं कि ए और बी कोई जीन है, ठीक है। तो ए जीन जो होगी ये जब एलिल्स के रूप में होगी तो कैपिटल ए के रूप में होगी, और जो बी जीन है ये कैपिटल बी के रूप में होगी। क्योंकि इसके पहले शुरुआत में ही बता दिया गया था कि एलिल्स क्या होते हैं, तो जीन के जोड़े को एलील्स बोला जाता है। कि जीन जो होते हैं ये हमेशा पेयर में पाए जाते हैं और उसी पेयर को एलील बोलते हैं। और एलील का जो दूसरा रिसेसिव फॉर्म होता है, जिसे हम दोनों को कंबाइंड रूप से एलिलोमॉर्फ का बोलेंगे। जैसे कैपिटल ए है, ये डोमिनेंट जीन है, तो जो इसका रिसेसिव जीन होगा वो स्मॉल ए होगा, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल बी है, तो इसका भी जो रिसेसिव फॉर्म होगा वो स्मॉल बी होगा। अब यहाँ पर देखिए, एलिलिक और नॉन एलिलिक में हम डिफरेंस यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये कब एलिलिक हो जाएंगे और कब नॉन एलिलिक हो जाएंगे। अब सपोज करिए कि यहाँ पर जो कैपिटल ए जीन है, तो यहाँ पर कैपिटल ए जीन यहाँ पर हो गई, फिर कैपिटल बी स्मॉल ए जीन यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक ही पेयर पर, मतलब पहले पेयर पर एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट है, दूसरे पर रिसेसिव है, तो इसे हम कहेंगे। और हाँ, यहाँ पर जो बी वाली जीन है इसी क्रोमोसोम पर, यहाँ पर देखिए ये बी की जीन है डोमिनेंट और ये बी की जीन है रिसेसिव, तो एक ही पेयर पर यहाँ पर ए वाली जीन भी मिल रही है कैपिटल ए और कैपिटल बी वाली भी जीन मिल रही है। तो जब दो अलग अलग प्रकार की जीन एक ही पेयर पर पाई जाए और वो आपस में जो भी कार्य प्रणाली दर्शाती है उसी को बोला जाता है एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। इसका मतलब है कि जब इंट्रैक्शन दिखाने वाली जीन एक ही पेयर पर हो तो उसे हम कहेंगे एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा कि जब इंट्रैक्शन दिखाने वाली जीन एक ही पेयर पर हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर दो ही हों, दो से ज़्यादा यहाँ तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं या मल्टीपल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जब इंट्रैक्शन दिखाने वाली जीन एक ही पेयर पर मौजूद होती है तो उसे हम बोलते हैं एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। और अगर यही जीन अलग अलग पेयर पर मौजूद हों, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए जीन, इसका रिसेसिव यहाँ पर स्मॉल ई, ये दूसरे नंबर पर है, और बी की जीन यहाँ पर देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ पर है,
तो यहाँ पर देखिए कैपिटल ए वाली जो जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 2 पर है और कैपिटल बी वाली जीन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 3 पर है। तो यहाँ पर ए और बी जो जीन है ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, तो जो इनका इंट्रैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। और अगर यही दोनों जीन एक क्रोमोसोम पर होती, मतलब एक पेयर पर होती, तब जो इंट्रैक्शन दिखाती तो उसे हम बोलते एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। तो उम्मीद है कि अब यहाँ पर ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब जीन के इंट्रैक्शन को हम एलिलिक बोलेंगे और कब जीन के इंट्रैक्शन को हम नॉन एलिलिक बोलेंगे। तो जब इंट्रैक्शन करने वाली जीन वो चाहे जितनी संख्या में हो, 2 हो 3 हो 4 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही पेयर पर मौजूद हो तो एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। और अगर वही जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर पेयर पर मौजूद हो तब उसे हम बोलेंगे नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ें यहाँ डिफिनेशन में लिखी गई हैं कि अलग अलग जोड़ी गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जीन नॉन एलिलिक कहलाती है। तो जाहिर सी बात है अगर ये जीन नॉन एलिलिक है तो इनकी जो कार्य प्रणाली होगी, जो क्रियाविधि होगी, जो इंट्रैक्शन होगा वो हमारा कहलाएगा नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा गया है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए, कि मेंडल के पश्चात कुछ ऐसी नॉन एलिलिक जीन खोजी गई जो आपस में क्रियाएं करके परिणामों को प्रभावित कर देती हैं। मतलब कि जैसा परिणाम आना चाहिए था मेंडल के नियम के अनुसार वो परिणाम ना मिल करके कोई दूसरा परिणाम मिलने लगता है। तो इस प्रकार के इंट्रैक्शन को हम नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन कई तरीके का होता है, इसमें से जो पहला तरीका है या पहला प्रकार जो है उसे हम कहते हैं पूरक जीन, या इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होती है इसको पहले हम रफली आप लोगों को समझा देते हैं, फिर इसके बाद हम अपने नोट्स के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोई भी लक्षण दिखाने के लिए दो या दो से ज़्यादा जितने भी जीन हो, मतलब कि दोनों जीन का अपने डोमिनेंट फार्म में होना ज़रूरी है। मतलब कि कोई भी लक्षण दिखाने के लिए जीन का, या कह सकते हैं कि दोनों जीन का डोमिनेंट फार्म में होना आवश्यक है। अभी नहीं समझ में आया होगा, आप इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए नहीं दिख रहा है, लेथाइरस में पुष्पों का रंग, तो लेथाइरस जिसे हम स्वीट पी भी कहते हैं, मीठी मटर भी कहते हैं, तो मीठी मटर में अगर हमें कलर्ड पुष्प चाहिए तो यहाँ पर देखिए इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है, देखिए ये देखिए, तो यहाँ पर अगर हमें कलर्ड पुष्प चाहिए तो जो कैपिटल सी जीन है इसका भी डोमिनेंट फार्म में होना ज़रूरी है, डोमिनेंट फार्म में। और इसका जो दूसरा वाला जीन है कैपिटल पी इसका भी डोमिनेंट फार्म में होना ज़रूरी है, डोमिनेंट फार्म में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब दोनों जीन डोमिनेंट फार्म में होंगी तभी यहाँ पर पुष्प का रंग जो है वो कलर्ड आएगा। अगर इसमें से एक भी रिसेसिव हो गई, एक का मतलब एक पेयर से है, एक पेयर भी अगर यहाँ पर रिसेसिव हो गई तो जो कलर हमारा है वो गायब हो जाएगा और पुष्प हमारा कलरलेस हो जाएगा। कैसे? अगर कैपिटल सी के साथ में स्मॉल पी आ जाए तो ये कैपिटल सी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, इसलिए जो पुष्प का रंग होगा वो कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल सी अपना प्रभाव तभी दिखा पाएगा जब इसका साथी भी डोमिनेंट फार्म में हो, अर्थात जब कैपिटल सी के साथ साथ कैपिटल पी भी डोमिनेंट फार्म में आ जाए तो ये हमारा पुष्प कैसा हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा।
उम्मीद है यहाँ से अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है। अब यहाँ से आप परिभाषा या डिफिनीशन आप खुद बना सकते हैं कि कोई भी जीन का पेयर अपना प्रभाव तभी दिखा पाती है जब उसका साथी पेयर भी डोमिनेंट फार्म में मौजूद हो। जरूरी नहीं कि दोनों एलील्स यहाँ पर डोमिनेंट फार्म में आए, एक भी अगर डोमिनेंट फार्म में आ गया तो वो अपना प्रभाव दिखा देगा। जैसे यहाँ पर कैपिटल सी के साथ अगर केवल एक कैपिटल पी आ जाए तब भी जो हमारा पुष्प होगा वो कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल सी के साथ एक डोमिनेंट कैपिटल पी आया हुआ है। इसी प्रकार से अगर एक कैपिटल सी हो एक स्मॉल सी हो और दोनों कैपिटल पी हो जाए तो यहाँ पर भी जो हमारा पुष्प का रंग होगा वो कलर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों में से कम एक एलील कैपिटल जरूर है या डोमिनेंट जरूर है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसी भी जीन को अपना इंट्रैक्शन दिखाने के लिए दोनों पेयर में से एक एक एलील का डोमिनेंट फार्म में आना आवश्यक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होती है, विस्तार से लिखिए उसके बारे में या उसकी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाइए या एग्जांपल सहित व्याख्या करिए, तो आप क्या लिखेंगे कि एक लक्षण के लिए दो जोड़ी नॉन एलिलिक जीन्स होती है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कितनी जोड़ी होती है, दो जोड़ी नॉन एलिलिक जीन्स होती है। नॉन एलिलिक शब्द जैसे आया तुरंत आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि जो दोनों पेयर हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है कि इसमें आनुवांशिक लक्षण के प्रकटन के लिए ऐसी प्रभाविता होती है कि किसी भी जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति तभी होगी जब दूसरी जोड़ी का भी प्रबल जीन उपस्थित हो। मतलब कि एक जोड़ी प्रबल जीन अपना प्रभाव तभी दिखा पाएगी जब दूसरी जोड़ी का भी प्रबल जीन मौजूद हो। अगर दूसरी का रिसेसिव हो गया दोनों तो पहली वाला भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इसका एग्जाम्पल है लेथाइरस में पुष्पों का रंग, जिसे हम स्वीट पी या मीठी मटर के नाम से जानते हैं। अब इसकी व्याख्या हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए अगर कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों एलील्स यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में आते हैं तो पुष्प रंगीन होगा, क्योंकि कैपिटल सी यहाँ पर कैपिटल पी की वजह से अपना प्रभाव दिखा पाएगा। लेकिन अगर यही कैपिटल सी के साथ में दोनों पी इस्माल हो जाते हैं, मतलब रिसेसिव हो जाते हैं, तो कैपिटल सी अपना अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, अर्थात पुष्प का रंग जो होगा वो कलरलेस हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल सी को अपना प्रभाव दिखाने के लिए इसको अपने साथी को भी कैपिटल पी के फार्म में होना आवश्यक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए स्मॉल सी रिसेसिव फार्म में है और कैपिटल पी डोमिनेंट फार्म में है, तो ये यहाँ पर कैपिटल पी भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा क्योंकि यहाँ पर सी जो है वो रिसेसिव फार्म में है, तो पुष्प हमारा कैसा होगा, कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कम से कम एक एलील का दोनों पेयर जीन में से एक एक एलील का कैपिटल फार्म में होना जरूरी है, तभी हमारा जो फ्लावर है वो कलरफुल हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो कलरलेस फ्लावर लिए गए हैं, एक का जीन है कैपिटल सी स्मॉल पी और दूसरे का जीन है स्मॉल सी कैपिटल पी। जब इनके बीच क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है, पर परागण करवाया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो हमें जीन मिलेगा वो कैपिटल पी वाला मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक सी का कैपिटल फार्म है, एक पी का भी कैपिटल फार्म है, तो जब दोनों के कम से कम एक कैपिटल फार्म होंगे तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, अर्थात जो हमें फ्लावर्ड मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कलर्ड मिलेंगे F1 जनरेशन में। अब यदि इन्हीं F1 जनरेशन के पौधों के बीच सेल्फिंग करवाई जाती है, स्व परागण करवाया जाता है, तो F2 जनरेशन में मेंडल के नियम से अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। वो परिणाम क्या है आप इस चेकर बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ से पहले हम गैमीट अलग करेंगे, तो पहले कैपिटल सी के साथ कैपिटल पी अलग हो जाएगा, फिर कैपिटल सी के साथ स्मॉल पी अलग हो जाएगा।
इसके बाद अब इस्माल सी के साथ कैपिटल पी अलग हो जाएगा, फिर इस्माल सी के साथ इस्माल पी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चार गैमीट बनेंगे, चार टाइप के गैमीट बनेंगे और सेम वही चार टाइप के गैमीट यहाँ पर भी बन जाएंगे। तो एक को हम मान लेते हैं फीमेल गैमीट और एक को हम मान लेते हैं मेल गैमीट। और अब हम इनके बीच जब क्रॉस करवाते हैं तो देखिए यहाँ से कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, अर्थात जो हमारा फ्लावर होगा वो कलर्ड होगा, क्योंकि कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों यहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म में आया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कैपिटल सी फिर कैपिटल पी के साथ एक स्मॉल पी आया हुआ है। यहाँ पर दोनों कैपिटल सी है लेकिन पी दोनों कैपिटल नहीं है, केवल एक कैपिटल पी है, फिर भी एक कैपिटल पी इसकी मदद करेगा और ये अपना प्रभाव दिखाएगा और फ्लावर हमारा कलर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी, जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी यहाँ पर देखिए कैपिटल पी तो दोनों डोमिनेंट हैं लेकिन कैपिटल सी दोनों डोमिनेंट नहीं है, एक यहाँ पर ये रिसेसिव है, फिर भी यहाँ पर कैपिटल सी अपना प्रभाव दिखाएगा क्योंकि कैपिटल पी का दोनों यहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म मौजूद है, इसलिए फ्लावर हमारा कलर्ड होगा। इसी प्रकार से चौथे वाले कंडीशन में कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा फ्लावर कलर्ड होगा क्योंकि एक कैपिटल सी के साथ कम से कम एक कैपिटल पी जरूर आया है। इसके बाद अगली कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पर कैपिटल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी आ जाएगा। तो यहाँ भी दोनों कैपिटल सी के साथ एक स्मॉल पी आया हुआ है तो हमारा फ्लावर कलर्ड होगा, क्योंकि एक ही कैपिटल पी काफ़ी है इसको स्टिमुलेट करने के लिए या इसको अपनी प्रतिक्रिया देने से प्रेरित करने के लिए। यहाँ पर देखिए कैपिटल सी के साथ में दोनों स्मॉल पी आए हैं। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल सी बेचारा इसका जोड़ा यहाँ पर नहीं मिल पाया क्योंकि एक कम से कम कैपिटल पी का होना ज़रूरी था तब ये अपना कलर दिखा पाता, लेकिन यहाँ पर इसका जोड़ा जो है पूरी तरह से रिसेसिव हो गया, दोनों स्मॉल पी हो गए, इसलिए कैपिटल सी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगा और जो हमारा फ्लावर होगा वो कलर लेस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी है, तो यहाँ पर कम से कम एक डोमिनेंट जरूर आया हुआ है, इसलिए हमारा फ्लावर कैसा होगा कलर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से कैपिटल सी फिर स्मॉल पी यहाँ पर देखिए कैपिटल सी तो एक है लेकिन पी में से कोई भी कैपिटल नहीं है, यहाँ पर डोमिनेंट नहीं है, इसलिए जो हमारा फ्लावर होगा वो कलर लेस हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं इस वाले कंडीशन में होगा कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी और कैपिटल पी दोनों साथ आएंगे, तो यहाँ पर भी कम से कम एक एक कैपिटल तो ज़रूर आया है, कैपिटल पी दोनों डोमिनेंट है सी एक है, तो हमारा फ्लावर कैसा होगा कलर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से इस कंडीशन में देखते हैं कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कम से कम एक डोमिनेंट जरूर है तो हमारा फ्लावर कैसा हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्मॉल सी के साथ कैपिटल पी आया है तो यहाँ पर एक भी कैपिटल सी नहीं है, पी भले ही दोनों डोमिनेंट हैं, तो यहाँ पर हमारा फ्लावर जो होगा वो कलर लेस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए स्मॉल सी के साथ केवल एक पी डोमिनेंट आया हुआ है लेकिन सी का कोई भी डोमिनेंट नहीं है, इसलिए हमारा जो फ्लावर होगा वो कलर लेस हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी यहाँ पर भी कम से कम एक कैपिटल जरूर आया हुआ है तो हमारा फ्लावर जो होगा वो कलर्ड होगा। यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल पी यहाँ पर सी तो कैपिटल है लेकिन पी का जोड़ा कोई भी यहाँ पर कैपिटल नहीं है, इसलिए हमारा फ्लावर कलर लेस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी यहाँ पर पी तो एक डोमिनेंट है लेकिन सी के पास कोई डोमिनेंट नहीं है, इसलिए हमारा फ्लावर कलर लेस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्मॉल सी स्मॉल पी यहाँ पर दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो फ्लावर हमारा कलर लेस हो जाएगा। इस प्रकार से यफ टू जनरेशन में जो हमें कलर्ड और कलरलेस का रेशियो मिलेगा वो हम काउंट करके लिख लेंगे। पहले हम कलर्ड को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 प्लांट जो मिलते हैं वो कलर्ड मिलते हैं
और इसके बाद कलरलेस काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 प्लांट जो हैं वो हमें कलरलेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रंगीन अनुपाते रंगहीन, मतलब कलर्ड और कलरलेस दोनों के बीच का जो रेशियो आता है वो 9:7 आता है। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब यहाँ से बनता है तो यही बनता है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जीन में जो F2 जनरेशन में अनुपात होता है फिनोटाइप वो क्या होता है। तो फिनोटाइप अनुपात 9:7 होता है, 9:7 होता है। इसी पॉइंट को आपको विधिवत याद कर लेना है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि किस पौधे में हमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन देखने को मिलती है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिथायरस को या स्वीट पी को याद रखिएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होती है तो इसको आप सीधे सीधे एक लाइन में बताएंगे कि कोई भी प्रबल जीन अपना प्रभाव तभी दिखा पाएगी जब उसका जोड़ा भी प्रबल हो, कम से कम एक प्रबल तो ज़रूर हो, ठीक है। कि कोई भी प्रबल जीन अपना प्रभाव तभी दिखा पाएगी जब उसका जोड़ा भी प्रबल फार्म में मौजूद हो, अन्यथा पहली वाली भी प्रबल जीन अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब पूरक, एक के काम की पूर्ति जो है दूसरा वाला कर रहा है, मतलब दूसरे के बिना पहला वाला अधूरा है या पहले के बिना दूसरा वाला अधूरा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक दोनों एक दूसरे से साथ नहीं होंगे तब तक जो है अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो ये हमारा था आज का टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री जीन। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आप इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं पूछा जाता है, ये ज़्यादातर मेडिकल या TGT PGT के अदर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो 9:7 आप याद रखिए, एग्जाम्पल आप लेथायरस या स्वीट पी याद रखिए, इससे ज़्यादा जो है कुछ खास क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता है। फिर भी आप स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इसको कायदे से पढ़ लेंगे तो उम्मीद है ये टॉपिक अब ढंग से आपको क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कहीं पर भी किसी को कोई संदेह नहीं होगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है प्रबलता या एपिस्टेटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा है प्रबलता या एपिस्टेटिस। तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए, वीडियो को रोज़ आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ है, काफ़ी पैसे खर्च करते हैं आप इसी कोचिंग के लिए और फ्री में आपको ये सब डिटेल पूरा पढ़ाया जा रहा है जेनेटिक्स विधिवत। तो आप लोग चैनल को जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और हम आपको और अच्छे ढंग से और बेहतर तैयारी करवा पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।